वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग गाइस। सुबह से बहुत बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप। तेज़ बारिश नहीं हो रही है, हल्की हो रही है, बट हो रही है कंटिन्यूसली। सो पता नहीं आज हम बाहर जा पाएंगे कि नहीं, या क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, बट शुरू करते हैं एटलीस्ट आज का ब्लॉग। गाइस तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं एंड बारिश अभी तक रुकी नहीं है और सनसेट भी हो चुका है तो आज बाहर तो जा नहीं पाए और ना ही जा पाएंगे लगता है। तो गाइस हमको अभी गरबा के टिकट्स मिले हैं परसों के एंड ये पागल हो चुकी है, इसको देखिए। Yay! Best, best day ever. अच्छा? Ever, ever, the best day ever. मतलब मेरा काफी रोना धोना भी हुआ बिकॉज मैंने जब उनसे बात की ऑर्गेनाइजर्स से तो मुझे पता चला कि सोल्ड आउट है टिकट्स एंड मुझे पता ही नहीं चला इतने दिनों तक कि इवेंट है, क्योंकि पेज से जो अपडेट्स मिलते हैं फेसबुक पेज से वो मैंने बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया, तो उसमें रजिस्ट्रेशन लिंक थी और सारी टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट थे, तो मुझे बहुत रोना आ गया क्योंकि नवरात्रि है। आई कैन नॉट मिस नवरात्रि, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल्स, नॉट वन ऑफ माई, इट इज माई फेवरेट फेस्टिवल। तो आई वॉज लाइक कि मिस तो नहीं करना है, तो तुरंत तुरंत हमने उनको मैसेज किया, ईमेल किया एंड हमारी टिकट्स कंफर्म हो गई है, ये हम जा रहे हैं परसों गरबा करने। ये आई एम सो हैप्पी, यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग मोर टू अ गुजराती, बस गरबा खिला दो मैं वैसी खुश हो जाऊंगी। जस्ट गरबा, वो गरबे के गाने भी मेरे कानों में गिर गए, इट विल जस्ट मेक माई एंटायर मंथ। आई लव नवरात्रि, आई लव गरबा। मैसेज किया पागल हो गई यार, खुशी के मारे पागल हो चुकी है पूरी पूरी। कब से उछल रही है, डांस कर रही है, कूद रही है। चलो अच्छा हुआ कि टिकट्स मिल गए। वैसे हमने दिवाली के इवेंट के टिकट्स भी अभी से बुक कर लिए हैं, तो दैट्स ऑल्सो गुड। तो परसों हम जाएंगे गरबा, तो उस व्लॉग के लिए वेट करना ज़रूर, बट चलिए आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पगला गई है और माया की फट रही है आशी को देख के कि पता नहीं क्या हो गया उसको। बेसिकली गर्म पानी में इसको गर्म कर रहे हैं थोड़ा, ताकि रूम टेम्परेचर तक आ जाए खाना। बिल्लियों को थोड़ा गर्म खाना प्रेफर होता है। रुक जा, रिलैक्स, रुक जा, अरे रुक जा, रुक जा, रुक इससे दूर। अरे लॉक कैसे करूँगा मैं, सामने आके बैठ गई तो। चल देखिए कितनी उतावली हो रही है ये पगली, रिलैक्स। अरे तो गाइस आपने नोटिस किया होगा इससे पहले कि हॉल में अभी अचानक से बेड आ गया बस बात इतनी है कि ये जो सोफ़ा है जो हमने आइकिया से लिया था
उसमें उसके अंदर एक फोल्डेबल बेड है, तो हम उसको जब चाहे तब निकाल के उसको एज अ सेकेंडरी बेड यूज़ कर लेते हैं। कभी कभार अगर कुछ मस्ती मूवी चल रही है और हमको सोफे पे बैठ के नहीं देखना, तो ये हमारा जुगाड़ है गाइस। तो ये ना इसका परमानेंट ऐसा पर्च बन चुका है, जब भी दिन भर में काम करता रहता हूँ यहाँ पे बैठी रहती है, मेरे मीटिंग्स में सबको दिखती है, पीछे बैठी हुई है, कभी कभार नखरे करती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। मुझे ना अपना बैकग्राउंड डिम करना पड़ता है मीटिंग्स में ताकि लोग इसको देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो गैस आपने देख ही लिया होगा कितनी एक्साइटेड है आरशी, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। बस एक ही रिग्रेट है कि इस टाइम पे हम इंडिया में नहीं हैं, लेकिन यहाँ जितना हो सकता है हम उतना सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग समाज है। यहाँ पे जैसे गुजराती समाज है एंड इवन तेलुगु वालों का समाज है, एंड उन सब के खुद के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, विच इज़ ग्रेट। सो बोथ ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फेस्टिव सीजन, एंड ये हमारा पहला फेस्टिव सीजन होगा हमारे शादी के बाद, सो वी आर प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। तो गाइस टाइम है थोड़ा चॉकलेट खाने का। तो ये ऑस्करी ने हमें गिफ्ट किया था जब वो हमारे घर आया था डिनर के लिए, तब से लेके अब तक हमने इसको छुआ भी नहीं है। तो बात ये है कि ये जो कंपनी है कार्ल फेजर, ये समझ लीजिए यहाँ की कैडबरी है, कैडबरी से भी बड़ी। माना जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉकलेट कंपनीज इन द वर्ल्ड, बट जब से हमने इंटेंशनली शुगर इंटेक कम किया है हमारे डाइट में, हमको रियलाइज़ हुआ है कि हम छोटे मोटे चॉकलेट्स भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वीट हिट होता है हमको, वो स्वीटनेस हमसे बर्दाश्त नहीं होता। दैट्स वन ऑफ द रीजंस पर अब तक हमने इसको छुआ भी नहीं है, एंड अभी जाके रियलाइज़ हो रहा है कि हम कितना ज़्यादा शुगर इंटेक करते से पहले, चाहे वो चॉकलेट्स के फॉर्म में हो या किसी और चीज़ के फॉर्म में हो। तो जब तक आप किसी चीज़ को मॉडरेट नहीं करते, तब तक समझ में नहीं आता है कि हम उसको कितना एक्सेस में यूज़ कर रहे थे। बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा। वैसे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि फिनलैंड के जॉब्स के बारे में कोई ब्लॉग्स बनाइए। बात ऐसी है कि मुझे मेरे इंडस्ट्री के अलावा बाकी इंडस्ट्री का ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं, एंड आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू मेक एनी व्लॉग्स अबाउट दैट। बट अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आई कैन मेक अ टाइनी व्लॉग अबाउट द गेमिंग इंडस्ट्री, स्पेशली इन फिनलैंड एंड इंडिया। तो अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो लेट मी नो, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री है, बट सैडली स्पेशली इंडिया में ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से एक्सपोजर है नहीं, एंड ना ही उनको पता है कि किस किस टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ है गेमिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो डिज़ाइनिंग क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट क्यों ना हो, नैरेटिव क्यों ना हो, और आईटी ही क्यों ना हो। ऑब्वियसली गेम्स आर एट द एंड ऑफ द डे राइटिंग कोड, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेटा एनालिस्ट, प्रोड्यूसर्स, सर्वर डेवलपर्स, इट्स एंडलेस, द लिस्ट इज़ जस्ट एंडलेस। तो अगर आप ऐसे ब्लॉग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, उसके बारे में ज़रूर एक ब्लॉग बनाएंगे। एंड इनफैक्ट क्योंकि मुझे एक्सेस है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में, मैं शायद उनसे बातचीत करके और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता हूँ अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ हियर। फिनलैंड में बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज़ हैं, जैसे रोवियो है जो कि एग्रीबर्ड्स का कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और दूसरा हो गया सुपरसेल। अगर आपने क्लैश ऑफ क्लैंस, क्लैश रॉयल ऐसी गेम्स खेली होंगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि सुपरसेल इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल गेमिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। या जिंगा हो गया, विच वॉज माई एक्स कंपनी बैक इन इंडिया। ये आप किसी भी बड़े स्टूडियो का नाम ले लीजिए, वो आपको फिनलैंड में ज़रूर मिलेगा। फिनलैंड में गेमिंग इंडस्ट्री का जो फुटप्रिंट है वो बहुत 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 बड़ा है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ये पसंद आया तो आपको पता है क्या क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो हम आपको मिलते हैं कल हमारे अगले व्लॉग में। तो कल मेरा ऑफिस है, लेकिन क्योंकि कल फ्राइडे है, हमारे कुछ प्लान्स भी है, वीकेंड शुरू होने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली हम हेलसिंकी वगैरह जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हेलसिंकी, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ रीओपन हो चुका है तो काफ़ी हलचल देखने मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय।